Manu Gaur, social activist and somebody who's been pushing for a population law. Manu Gaur, tell me, sir, what is the need for a population law? Because I will get into some numbers in just a bit. There is a perhaps conflict going on that there are certain parts of the country that have already moved. They have already evolved to a level jahan wo jante hain jansankhya control karna zaruri hai. To phir us desh ke us bhag mein aur us ang par aap rok lagaye wahan par aap kaam kare jahan par inhone abhi tak ye mansikta nahi aayi hai, ye evolve, they have not evolved to that level. देखिए मुझे इसमें दो तीन पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा जी. सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन को स्टेबलाइज उन लोगों ने कर लिया है वहां पे ऐसे कानून की क्यों जरूरत है. हाँ. तो अगर हम देखें तो जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कम है या पॉपुलेशन वहां पे स्टेबलाइज हो गई है तो वहां पर अच्छा लाइफस्टाइल है लोगों के पास जी. तो इसलिए जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हुई है जहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है जहां पे गरीबी ज्यादा है तो वो लोग फिर उन स्टेट्स में माइग्रेट करेंगे जी. तो उन स्टेट्स को फिर से प्रॉब्लम फेस करनी होगी. तो ये एक नेशन वाइड पॉपुलेशन पॉलिसी बनना जरूरी है और जिन स्टेट्स ने ऑलरेडी इसे स्टेबलाइज कर लिया है तो उन्हें इस पॉलिसी के एनफोर्स होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए. ओके. दूसरी चीज हमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी ध्यान से सुनना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की. उन्होंने कहा है कि आप उतने ही बच्चों को जन्म दीजिए जिनके लिए आप अच्छा जीवन यापन जिन्हें आप दे सकें. तो और सेम चीज अगर हम देखेंगे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 2004 में गुजरात प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में भी उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर बड़े स्टेटमेंट दिए थे. वो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुए थे. तो 2004 से 2019 आ गया और हमें बहुत अच्छा लगा कि 1975 के बाद जब फोर सिविलाइजेशन प्रोग्राम्स हुए उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम इस सीरियस इशू को उठाने की हिम्मत दिखाई. एक चीज जो इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम बनाते हैं जी. ये जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस इशू की सीरियसनेस को खत्म करते हैं. अगर हम देखें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 34 करोड़ मैरिड वुमेन हमारे देश में होती थी. yes. जिसमें से 15 करोड़ मैरिड वुमेन वो थी जिनके तीन या उससे ज्यादा बच्चे थे और 18 करोड़ वो थी जिनके कम बच्चे थे. तो नियर अबाउट वो 15 करोड़ वो सारी मुस्लिम महिलाएं नहीं हो सकती, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं हो सकती जी. तो ये प्रॉब्लम सब जगह है. ये प्रॉब्लम गरीब तबके में है. ये प्रॉब्लम उन लोगों में है जो कि अपने बच्चों के लिए सोच नहीं पाते. सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है ह्यूमन राइट्स की बात करना, उन बच्चों के ह्यूमन राइट्स की बात करना जिनके जिन्हें हम इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं. उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता कोई नहीं करता. वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स की चिंता कोई नहीं करता. जैसे आपने अभी कहा भी हमारे देश में वुमेन को पार होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए. लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश में ऐसा है? बिल्कुल नहीं. पढ़ी लिखी महिला से लेकर और एक आदिवासी महिला तक वो अपने उसे कितने बच्चे पैदा करने हैं उसका डिसीजन उसका नहीं होता है. तो उसे हमें उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स हम उसे तब दे पाएंगे जब हम उसे मना करने का अधिकार दे पाएंगे, जब वो अपने सास से अपने पति से कह सके कि मैं तीसरा चौथा पांचवा बच्चा पैदा कर तो लेती लेकिन ये कानून बीच में आता है. तो इसलिए ये बहुत जरूरी. Manu Gaur, weigh into the debate and respond to our viewers. जिस तरीके से हमारे यहाँ माइग्रेशन हो रहा है फॉर बेटर लाइफ, तो सेम प्रॉब्लम वही होगी अर्बन और रूरल की. राइट. लेकिन मैं इसमें एक चीज और भी कहना चाहूंगा जी. अगर आप देखेंगे इस डिबेट को जब आप बोल रहे हैं तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज हमारे देश में आज भी ऐसी चल रही हैं कि नॉर्म को फॉलो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता. जैसे इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें सिर्फ दो बच्चों की ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलता. राइट. जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें उन्हें सिर्फ पहली दो प्रेगनेंसीज के लिए 6000 रुपया मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता है. जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है अगर वो फैमिली प्लानिंग दो बच्चे उनके हैं. तो जब ऑलरेडी ऐसी चीजें कुछ कुछ अलग पॉलिसीज चल रही हैं जिसपे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इसे हम और एक्सपेंड करेंगे और फील्ड्स में भी लेकर आएंगे तो उसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं.